क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही देखने में कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ पर ए है, तो ए हो गया आपके पास, यहाँ पर बी हो गया, और ये डॉट प्रोडक्ट होगा, और फिर यहाँ पर आपके पास इससे पहले हो गया ए डॉट बी का बार, यहाँ पर हो गया आपके पास, ठीक है। और ये हो गया फाइव, ये हो गया आपके पास ए, और यहां पर आपके पास फिर से हो गया, और ये हो गया बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये, फिर इससे ये डॉट, यानी कि ये नैंड बन जाएगा फिर से। तो यानी कि अगर मैं एक के लिए लिखना चाहूं तो ए डॉट बी बार का बार यहां पर हो जाएगा, और सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार, और ये बी हो जाएगा, और उसका भी बार हो जाएगा। फिर सेम एक्सप्रेशन यहां पर आगे जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू गेट इज ऑप्शन नंबर ए आपके पास ट्रुथ टेबल में आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास ट्रुथ टेबल में आता है, यानी कि यहां पर आपके पास इसको सॉल्व आप ही को करना है, ठीक है। इसको हम लोग बस यहीं तक सॉल्व रहे हैं, ठीक है।